हेलो गाइस, होप सारे बढ़िया होंगे। सो टुडे आप मेरी पहली क्लासेस होगी जिसके अंदर मैं आपको सिखाया हूँ जाएगा। आजकल जैसे जैसे आ रही है कि डिमांड्स आती रहती है कि वीरे से कोरोना के अंदर आजकल मार्केटिंग में डिमांड आने लगी है। तो सबसे पहले मेरी जो क्लास हुई कि एक वीरे से कोरोना के अंदर कन्वर्ट करना, और उसके अंदर क्या है कि आप अपना ऑन टेक्सचर बना सकते हो कोरोना सॉफ्टवेयर के अंदर। तो आजकल जैसे जैसे आजकल क्या होता है कि कोरोना के अंदर बैटर अच्छा स्कोप है, उसके अंदर बैटर टेक्सचरिंग भी है, मटेरियल भी अच्छा है, लाइटिंग भी अच्छा है, और वीरे के अंदर जैसे जैसे आजकल कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। क्योंकि कोरोना के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, जैसे मैं आपको फर्स्ट दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें क्या है कि मतलब सोफ़ा सोफ़ा का टेक्सचर देखो पूरा नेचुरल है। इसमें मैं आपको पहली जो क्लास हुई कि मैं आपको मटेरियल बनाना सिखाऊंगा, सेकंड फिर उसके बाद फिर हम आगे और बढ़ते रहेंगे। आप देखिए हम सबसे पहले कोई सा भी अगर एक मटेरियल देखा जाए तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अब ये वाला है। अगर आपको एक नेचुरल ब्यूटी देखनी है, नेचुरल लाइक पूरी वो टेक्सचरिंग करनी है, तो मैं आपको सबसे अच्छे बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप पहले फील करिए आपको पूरे एनवायरनमेंट को, पूरे मटेरियल को, लाइक मतलब उस पर वॉल पे सनलाइट या कुछ भी आप करते हो उसको पहले फील करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप यहाँ देखिए राइट हैंड में देखिए, अगर आपको स्क्रीन छोटी दिख रही है तो थोड़ा सा जूम करके थोड़ा सा कर लीजिए मैनेज। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको दूसरी दिखाता हूँ, ये वाली दिखाता हूँ। आप देखिए एनवायरनमेंट का पूरा आ रहा है यहाँ की तरफ से। अगर आप मेरा माउस देखेंगे तो यहाँ आप देखिए डार्क है और ये थोड़ा सा लाइट है, ठीक है। इस तरह का आप पूरे टेक्सचरिंग को, मटेरियल को फील कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूसरा भी दिखाता हूँ, ये देखिए ये वॉल पे लाइट पड़ रही है, वॉल पे स्काईलाइट आ रही है, पड़ रही है। और देखिए आप जो ये वाला है, ये मटेरियल फैब्रिक कितना डार्क है और ये फैब्रिक कितना लाइट है, क्योंकि इस पर सन का इफेक्ट पड़ रहा है। तो आप उसी तरह मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि इसमें आपको पूरे टेक्सचरिंग बनाना सिखाता हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यही वाला टेक्सचर बनाता हूँ, इसको मैंने करा सेव डेस्कटॉप पे आया, इस पर मैंने बनाया फैब्रिक मटेरियल, ये करी मैंने कॉपी सीधा। जैसे ये मटेरियल है ये हमने लिया, थ्री डी मैक्स ओपन करा, मैं पूरा रीसेट मार देता हूँ यहाँ से, रीसेट करा। एक मैंने प्लेन लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। मैं तो बस मटेरियल बनाना सिखा रहा हूँ, आप किसी पे भी यूज़ कर सकते हैं। टी बैग लिया, टी पॉट, आइस के सेगमेंट मैंने कर दिए 32। सेगमेंट से क्या होता है, अगर आप जैसे देखेंगे स्मूथनेस स्मूथनेस होती है इसके लिए। जैसे एक देखिए अभी कैसा हो गया टी, इसकी मैं कर देता हूँ 4, कितना स्मूथ हो गया, 32 करता हूँ, स्मूथनेस आ गई अच्छी। तो इस पे एम प्रेस करेंगे आपका मटेरियल का वो आ जाएगा। अगर आपको यहाँ से नहीं मिलता तो आप अपने मटेरियल में जाके मटेरियल एडिटर में भी जा सकते हो, सीधा यहाँ से मटेरियल के अंदर रेंडरिंग में जाके मटेरियल मेक ब्राउज़र आ जाएगा, मैप ब्राउज़र आएगा वहाँ से, ठीक है। अब मेरा क्या है कि मैंने जो आपको दिखाया था सोफ़ा, ये वाला सोफ़े का मटेरियल बनाएंगे। तो मैं व्यू इमेज में आया, हमने किस नाम से सेव किया था मटेरियल से, फैब्रिक मटेरियल ये वाला सी। अगर आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, देखिए ये पोर्शन कितना डार्क है और ये पोर्शन कितना लाइट है। क्यों?
क्योंकि इस पे स्काई का इफेक्ट आ रहा है, बट यहाँ भी स्काई का इफेक्ट आ रहा है, तो ये क्यों नहीं डा ये क्यों नहीं लाइट? तो ये दिखाते हैं आपको मटेरियल, मटेरियल के अंदर, फैब्रिक के अंदर आप एक देखिए, पूरी फील कीजिए मटेरियल। एक फैब्रिक देखिए, फैब्रिक फॉर एग्जांपल, अब जैसे ये वाला है, अगर आप ये देखेंगे फैब्रिक, जूम कर देखिए, फैब्रिक के अंदर देखिए, आपको कुछ दिखेगा, आपको धागे धागे से दिख रहे हैं, ठीक है। और इसका मटेरियल हो गया, और थोड़ा सा ये आपको रफ रफ सा ये निकलते हुए दिख रहा है। तो हम यही बनाएंगे फैब्रिक पूरा सेम इस तरह का। आए हम अपने मटेरियल के अंदर, करोना मटेरियल, पहले क्या होता था वीरे मटेरियल होता था, अब हम करेंगे करोना मटेरियल, ठीक है। जैसे जैसे आप यूट्यूब पे देखते हो, हम बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड होते रहते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। वीरे बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है, इसमें कुछ नहीं करना, कोई रेंडर सेटिंग करनी है ना ही आपको कुछ लाइटिंग के ऊपर करना है। सिंपल आपको अपना मटेरियल को इसमें आपको फील करना है कि एक नेचुरल मटेरियल किस तरह का दिखता है। तो अब हम वो बनाते हैं, डिफ्यूज में आए, जनरल, जनरल के बाद मिक्स मटेरियल, ये दो कलर होते हैं, इसलिए मैंने ये डार्क कलर, सेम कलर आ गया। सेकंड अब हम क्या करेंगे, मिक्स अमाउंट। मिक्स अमाउंट क्या होता है कि जो हमने कलर को लिया, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दिखाता हूँ, जैसे ये है। अब इसके अंदर देखेंगे थोड़ा सा बम्प वगैरह भी है, थोड़ा सा मिक्स अमाउंट है, देखिए मिक्स के अंदर आए। अब हम क्या करेंगे, एक इसका बम्प लेंगे, फैब्रिक बम्प। कभी भी कोई भी आप मटेरियल लेते हो तो सारा सबसे बेटर होता है सीमलेस मटेरियल लीजिए, ठीक है। फैब्रिक का बम्प होता है कि ब्रावा, हम फॉर एग्जांपल, और बम्प भी जो आपने लेना है ब्लैक एंड वाइट लेना है, जैसे मैंने ये वाला बम्प ले लिया, सेव करा, मिक्स अमाउंट में करने वाला बिट मैप, बिट मैप के अंदर आए, बम्प हम फैब्रिक का एक पंप लिया, कभी भी आपको बम्प लेना हो तो ब्लैक एंड व्हाइट लीजिए, कोई नहीं, उसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। पर मैंने ये वाला
बम्प ले लिया, या मैं ये वाला बम्प ले लेता हूँ, ठीक है। क्या हो गया सीधा? इसको मैंने करा कॉपी, एक हमारा डार्क था, एक हमने ले लिया। अब यहाँ से लाइट कलर जो हमारा सन का फैक्ट रहेगा, जो आपको चाहिए। अब हम क्या करेंगे, कंपोजिट। कंपोजिट क्यों यूज़ करा जाता है और किस लिए यूज़ करा जाता है, ये आपको मैं अच्छे से बताता हूँ। कंपोजिट होता है आपको मिक्स करने के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे फर्स्ट लेयर में मैंने ले ली ये, अब फोटोशॉप करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फोटोशॉप दिखाते हैं। फोटोशॉप में हमारी लेयर बाय लेयर काम चलते रहता है, ठीक है, वैसे ही इसके अंदर भी हमारा लेयर बाय लेयर चलता रहेगा। फर्स्ट लेयर पर ही आ गई, सेकेंड लेयर यहाँ से हम ऐड ऑन कर सकते हैं, यहाँ से हमने करा ऐड ऑन। सेकेंड लेयर में हमने क्या करेंगे, जो हमने फैब्रिक का ले रखा है, ये हम यहाँ से लेयर टू में हमने करा, ठीक है। ये क्या हुआ, जो दो ये कलर थे, एक हमारा डार्क और एक लाइट, ये दोनों को मिक्स करके हमने कंपोजिट करते हैं यहाँ पर। उसके बाद हमने इसमें कर दिया डिफ्यूज में, हमने असाइन कर दिया सीधे। अगर आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए, ये हमारा बिट मैप का आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ से मल्टीपल, जो आपको अच्छा लग रहा है आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हो। फैब्रिक के अंदर क्या होता है, एक नेचुरल आती है बम्प, इस पर हमने बम्प पे उठा उठा दिख जाएगा। अब डिपेंड आपके ऊपर है कि आप कितना बम्प देना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आप दे सकते हो। F10 प्रेस करा, F10 के अंदर इंटरेक्टिव रेंडर, कोरोना के अंदर सबसे अच्छा भी आ गया, वीरे के अंदर भी आया जो लेटेस्ट है, इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव से क्या होता है कि आप साथ साथ वर्क भी कर सकते हो और साथ साथ आप अपना मटेरियल भी बना सकते हो। ये देखिए, आपको मैं जूम से दिखाता हूँ, ये हमने बना लिया अपना मटेरियल। एम प्रेस करेंगे, अब अगर आपको ये वाला कलर सेम नहीं अच्छा लग रहा, वो अब अपने ऊपर है, आपको डार्क कितना रखना है, लाइट कितना रखना है, हम रख सकते हैं। अगर जैसे मेरे को, फॉर एग्जांपल, मेरे को ये वाला कलर अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ से भी अपना चेंज कर सकता हूँ, या आप अपना ऑन मटेरियल बना सकते हो। वीरे के अंदर क्या होता है कि आप अपना कोई भी मटेरियल नहीं बना सकते, या मटेरियल बना लेते हैं उसमें टाइमिंग लगता है, उसमें पहले एक बार मटेरियल बनाओ, उसको रेंडर दे के। ये वाला मैं मटेरियल बनाता हूँ,
आपको सोफे पे दिखाता हूँ, कोई भी मैं मॉडल वगैरह लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला मॉडल लेकर आता हूँ। मर्ज करी, इसका नाम है असाइन कर दिया। जो भी डब्ल्यू मैप मैं आपको दिखाता हूँ को सन लगा के। फैब्रिक का पूरा मटेरियल आप की तरफ से कोई सा भी फैब्रिक बना सकते हैं। आज की क्लास में मैं आपको फैब्रिक बनाना सिखाया। सेकंड क्लास में मैं आपको जल्दी आपको वेलवेट किस तरह बनाया जाता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ आपको सेकंड क्लास में मैं आपको वेलवेट बनाना सिखाऊंगा। सो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। गुड बाय, टेक केयर।